नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका जो चैनल है, मैं भजन सुनाने जा रही हूँ। बहुत दुख भई भजन है और ये भजन पूरा फुल वाच करना है। चलो सुनाते हैं। और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। मेरा अनलाइक बहुत ज़्यादा हो गया है, एक दिन में अनलाइक बहुत ज़्यादा हो गया, कितना बताऊँ। बहुत बहुत चिंता की बात है, इतना ज़्यादा अनलाइक रोज हो रही है। मैं सबको सब्सक्राइब करती रहती हूँ, अनलाइक होता जा रहा है। आप लोग सब्सक्राइब कर देना जो नए आए हैं, और बिल के साथ करना और लाइक भी कर देना। मैं सबकी लाइक करती हूँ, सब लाइक करना, मेरा सपोर्ट करो। और मैं आप सब के साथ हमेशा रहूँगी, आप लोग भी मेरे साथ हमेशा रहना। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है हमें। आप लोग मेरा भी अधूरी रह जाऊँगी, आप लोग सपोर्ट मेरा करना। चलो मैं भजन सुनाती हूँ, चलो सुनते हैं भजन। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की। पूजा करते हुए ख्याल आ गया, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा गया। गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, गंगा नहाते मन में ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया जन्म मानो का लेकर
फायदा मने वेद पढ़े मने शास्त्र पढ़े शास्त्र पढ़ने पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया मने ज्ञान किसी को बांटा नहीं फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं अमृत पिलाने से क्या फायदा बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा माँ पिता के ही चरणों में चार धाम है माँ पिता के चरणों में चार धाम है आजा आजा यही मुक्ति का धाम है आजा आजा यही मुक्ति धाम है पिता माता की सेवा की नहीं फिर तीर्थ जाने में से क्या फायदा फिर तीर्थ में जाने से क्या फायदा फिर तीर्थ में जाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा कभी